दोस्तों, मेरा चैनल क्लासरूम दादा, सभी के तहदिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक ट्रेनिंग पर्पस का टॉपिक है, अप्रेंटिस 1961। सभी को मालूम होता है जो टेक्निकल कोर्स किया जाता है आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इंजीनियरिंग में, उसमें एक अप्रेंटिसशिप बा इंटेंसिव बा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके कुछ प्रोग्राम चलता है। आज का जो टॉपिक है सिर्फ आईटीआई के लिए है। आफ्टर आईटीआई 1 ईयर्स कोर्स हो, 2 ईयर्स कोर्स हो, 3 ईयर्स कोर्स हो, अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होता है, तभी जाकर आपका कोर्स पूरा होता है। ये अप्रेंटिस करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ आपका ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, 7 से 1 साल का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है, अप्रेंटिसशिप एग्जाम। जब पूरा हो जाता है तो आपका आईटीआई कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। एक्चुअल जो आईटीआई है वह हो तो 2 साल का होगा, नहीं तो 3 साल का होगा। मतलब 2 साल का कुछ कोर्स होता है प्लस 1 ईयर्स अप्रेंटिसशिप, 1 ईयर्स कोर्स है प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, इस मिला के आपका कोर्स पूरा होता है। आज का जो टॉपिक है मेरा अप्रेंटिस में है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी के लिए है, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, मारुति सुजुकी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम चलता है, इंडिया में तो है ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम चलता है मारुति सुजुकी कंपनी का। सभी बहुत अच्छा कंपनी है। सभी को इच्छा है इसमें जॉब करने के लिए, जो टेक्निकल हैंड है, से किसी की ट्रेड में अपने आईटीआई किया हो, तो कुछ वैकेंसी निकला हुआ है ओनली फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसका मेरा पूरा डिटेल्स जानकारी आपको देने का कोशिश कर रहा हूं। मारुति सुजुकी दोस्तों, जरूर वेबसाइट विजिट करें, मैं बता रहा हूं। मारुति सुजुकी जो आता है MSDE बट DGT, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्ड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्ड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बट DGT, डायरेक्टर जनरल एंड टेक्निकल, न्यू दिल्ली में है। जो ये दोनों संस्था जिसके अंदर से एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया जाता है, और अप्रेंटिसशिप का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। सभी रहेगा आपको DGT के अंदर में, DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल, इसका अंडर में रहेगा। लेकिन सिर्फ अप्रेंटिसशिप जो है इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। जितना भी अप्रेंटिस होता है वो कंट्रोल करता है मुंबई संस्था। सबसे पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, वेबसाइट जरूर विजिट करें। वेबसाइट है marutisuzuki.com, यहां जाना है। उसके बाद फाउंडेंट रिक्रूटमेंट एंड एपीएक्स, इसमें जाना है। आपको जाना है www.marutisuzuki.com, जहां जाने के बाद आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन आ जाएगा। अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन में क्लिक करते बराबर आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से चालू हुआ, एक गवर्नमेंट एक्ट है। कंपनी का नाम बार बार रिपीट कर रहा हूं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। सभी ने दोस्तों पता है मारुति सुजुकी का नाम, सभी को पता है फोर व्हीलर में एक जबरदस्त नाम है मारुति सुजुकी। इसमें जो कुछ डेटा नोटिफिकेशन में दिया गया है उस डेटा के बेस में मैं बात कर रहा हूं। ये जो प्लेस होगा वो गुड़गांव बा मेनुसार में है। इसका 2 प्लांट है जिस प्लांट में आपको अप्रेंटिसशिप करना है। ये ड्यूरेशन 7 मंथ का होता है, लेकिन कंप्लीट होते होते 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। जो अप्रेंटिसशिप है वो एक्चुअल 7 महीने का ही होता है। जब तक आपका एग्जाम पूरा होगा, अप्रेंटिसशिप का एग्जाम पूरा, तब तक आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। कौन कर सकता है? आईटीआई, कोई भी आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है कर सकता है। NCVT से है, SCVT से है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट संस्था से जो आईटीआई किया है वो सुई को पेपर दिया जाएगा, प्राइवेट वालों को वहां पेपर नहीं दिया जाएगा, इतना नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। दोस्तों जो स्टूडेंट प्राइवेट से आईटीआई कर रहे हो वो अप्लाई ना करें, कारण ऐसे कैंसिल हो जाएगा। जो गवर्नमेंट से आईटीआई कर रहा है किसी भी ट्रेड के है, ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल का तो पेपर ज्यादा ही करेगा, ठीक है, जैसे डीजल मैकेनिक इस टाइप का। लेकिन ये नोटिफिकेशन में है, ठीक है, गवर्नमेंट का आईटीआई होल्डर को ही वो पेपर कर रहा है। एज लिमिट की बात करें 18 से 23 साल के अंदर होना चाहिए आपका एज लिमिट। पास आउट कब बोला गया है जो नोटिफिकेशन का दे रहा है, 2019, 2020, 2021 का पास आउट है, तो वो इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकता है।
स्टाइफेंड क्या बात करें, स्टाइफेंड बहुत सिंपल प्रोसेस है स्टाइफेंड का, 7,700 उसको मिलेगा जो 1 ईयर्स आईटीआई कोर्स कर रहा है, जैसा बिल्डर 1 ईयर्स का कोर्स है, फाउंडर फाउंड्री सॉफ्ट 1 ईयर्स का कोर्स है, जो ब्लैक एंड स्मिथी 1 ईयर्स का कोर्स है, जो 1 ईयर्स वाला आईटीआई कोर्स है उसको मिलेगा 7,700 रुपए स्टाइफेंड प्लस अदर्स बेनिफिट, जो 2 ईयर्स वाला कोर्स है आईटीआई उसको मिलेगा 8,050 रुपए, 8,050 किसको मिलेगा, जो 2 साल का जैसा टर्नर फिटर मशीनिस्ट ये 2 ईयर्स कोर्स है, 2 ईयर्स कोर्स को मिलेगा 8,050 और 1 ईयर्स कोर्स को मिलेगा 7,700 स्टाइफेंड। ये छोड़ के आपको बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा, आपको वन टाइम मील मिलेगा, खाना मिलेगा एक टाइम का, यूनिफॉर्म मिलेगा, शूज मिलेगा और कंपनी का आदर्श जो भी बेनिफिट है एक अप्रेंटिस के लिए जो लागू है कंपनी चाहता है जिसको देना चाहिए वो भी आपको साथ तो साथ मिलते रहेगा। तो मील यूनिफॉर्म शूज ये आपका कंपलसरी है। ट्रेड क्या बात करें, जो नोटिफिकेशन में लिखा है फिटर बिल्डर पेंटर टर्नर डीजल मैकेनिक्स कोपा टूल्स एंड डाई मेकर फाउंडर और भी बहुत कुछ है, ये ट्रेड का तो है ही है। वो छोड़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना भी आईटीआई ट्रेड होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसा ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर का भी कोर्स होता है, डीजल मैकेनिकल होता है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल होता है, ये सभी एलिजिबल है इस अप्रेंटिस को अप्लाई करने के लिए। क्या प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का जो है ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाएगा टेक्निकल और एप्टीट्यूड के ऊपर, ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाएगा टेक्निकल एप्टीट्यूड के ऊपर, जो ऑनलाइन टेस्ट होना है आप वहां पहुंचने के बाद टेस्ट होना है, पर्सनल इंटरव्यू होगा जो एचआर टेक्निकल के ऊपर लेगा, एचआर पर्सनल इंटरव्यू सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज है एंटीडेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपने पास किया हो जो भी है उसका वेरिफिकेशन जो है थर्ड स्टेज है, चौथा स्टेज जो है वो है मेडिकल चेकअप, आपका शरीर फिट है कि नहीं, स्वस्थ है नहीं, काम करने के लायक है कि नहीं उसको टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग एंड बोर्डिंग कंडीशन है, बोर्डिंग जो है वो सभी के नहीं है, जब तक उसका सीट है, मान लीजिए उसका हॉस्टल कैपेसिटी 50 जन का है तो 50 जन को बोर्डिंग मिलेगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप उससे भी ज्यादा स्टूडेंट को मौका मिलेगा, आपको बाहर में रूम लेके व्यवस्था करके आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करना है, जब ऐसा नहीं है जितना बोर्डिंग है उतना ही बोर्डिंग वहां ज्वाइनिंग करे, ऐसा कंडीशन लिखा नहीं है, अप्रेंटिसशिप बहुत ज्यादा लोगों के लिए है, लेकिन बोर्डिंग फैसिलिटी जो है हॉस्टल फैसिलिटी जो है गेस्ट हाउस फैसिलिटी है लिमिटेड है, इसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। एक 6 प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोसेस शुरू किया है, जो रिसेंट में ये प्रोसेस आया है, जितना जल्दी हो जाए दोस्तों साइट विजिट करें और अप्लाई कर दे तो आपका इसी साल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा, तो एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में एक गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस होगा, कारण अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा तभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, प्राइवेट के लिए अप्रेंटिसशिप हो और ना हो दोनों में आपका स्किल के हिसाब से काम मिल जाएगा, कोई भी प्राइवेट संस्था में काम करिए आपको आईटीआई है अप्रेंटिसशिप पूरा नहीं है तभी हो जाएगा, लेकिन अभी पब्लिक सेक्टर व गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब करना है तो आपको अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है जो आपको पूरा करना है तभी आपका कोर्स पूरा होता है। ये कुछ जानकारी था जो डीजीटी के तरफ से था, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का अप्रेंटिसशिप था, मैंने मेरा तरफ से जो भी नोटिफिकेशन मिला गया था मैं वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश किया, अच्छा लगे बस, कोई भी और जानकारी चाहिए अप्रेंटिस की तरफ से 1961 तो जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद।